बात ऐसी नहीं है कि इंडिया में रोड सेफ्टी के लिए लॉज नहीं है, है, पर बात यह है कि उसे मानते कितने लोग हैं। असल में रोड सेफ्टी के बारे में समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये तो सबसे बेसिक चीज है कि भैया जान है तो जहान है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में कुल 4,64,910 रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए, जिसमें 1,47,913 लोगों ने अपनी जान खो दी। इन सभी दुर्घटनाओं के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो सड़क पर लापरवाही दिखाते हैं और अपने साथ साथ बाकी लोगों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। सबसे पहले वो लोग जिन्हें कहीं जाने की हड़बड़ी रहती है और वो ओवर स्पीडिंग करते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए ही गाड़ी चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि हेलमेट लगाने से उनकी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। वो लोग जो रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, और वो लोग जो नशे की अवस्था में गाड़ी चलाते हैं, उनके बारे में तो बताने की ही जरूरत नहीं है। अब गलती सिर्फ लोगों की भी नहीं है, कभी कभी हमारे सड़कों की कंडीशन ही कुछ ऐसी होती है कि एक्सीडेंट हो ही जाए। कभी सड़कें खुदी हुई होती है, या आगे ब्लाइंड स्पॉट होता है, या कभी विजन क्लियर नहीं होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है, वो तो हम पहले से नहीं जान सकते, पर दुर्घटना से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर किए जा सकते हैं। हेलमेट या सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी को स्पीड लिमिट में भी चला सकते हैं, टर्न लेने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुर्घटना कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है, तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।